हेलो फ्रेंड्स, मैं ऋषि आनंद आप लोगों का स्वागत करता हूँ मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है वैदिक गणित। तो फ्रेंड्स, ये जो लेक्चर मैंने बनाया है वो बनाया पिरामिड का, ये पार्ट टू है। अगर अब तक आपने मेरे पिरामिड पार्ट वन जो लेक्चर मैंने बनाया था अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लीज़ वो देख लें, फिर उसके बाद ये वीडियो देखिएगा, तभी ये वीडियो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगी। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियोज़ देखने के लिए। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे पिरामिड के पांच सवाल करेंगे, जिसमें से एक सवाल ऐसा करेंगे जो कि एसएससी सीजीएल मेंस 2017 में पूछा गया था। तो चलिए फ्रेंड्स, लेट नहीं करते और हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला जो सवाल है वो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर आ रहा होगा। आपकी स्क्रीन पर पहला सवाल आ गया और मैं पढ़ भी देता हूँ क्या था सवाल। तो देयर इज अ पिरामिड ऑन ए बेस विच इज अ रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड 2a सेंटीमीटर इफ एवरी स्लैंट एज ऑफ दिस पिरामिड इज ऑफ लेंथ 5a/2 सेंटीमीटर देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द पिरामिड। ठीक है, ये जो है आपको रेगुलर हेक्सागन पिरामिड है जिसके बेस में क्या है, रेगुलर हेक्सागन है, हेक्सागन है। ठीक है, जिसका साइड कितना 2a सेंटीमीटर है और यहाँ पर स्लैंट एज दे रखा है। तो ये एक बात का यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पर क्या दे रखा है, स्लैंट एज दे रखा है। तो हम एक फिगर बना लेते हैं इसका, एक्चुअली में है क्या ये चीज़। तो देखिए, एक क्या बोला, रेगुलर हेक्सागन है ये। तो रेगुलर हेक्सागन है तो हम एक हेक्सागन बेस में मेरा क्या होना चाहिए, रेगुलर हेक्सागन होना चाहिए, ये बना लिया हमने। ठीक है, और ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, इसको भी मिला लिया और ये आ जाएगा आपको इस तरीके से, और ये आ गया, और ये ठीक है। एक हमने फिगर बना लिया और जिसमें आपको बोल क्या रहा है कि 2a ईच साइड कितना है, 2a है, 2a सेंटीमीटर है। ठीक है, और यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा, स्लैंट एज दे रखा है। स्लैंट एज कितना दिया हुआ पिरामिड का, 5a/2 दे रखा है, 5a/2। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें डिटेल्स हमको दे रखी गई हैं और हमसे बोला क्या गया निकालने के लिए, वॉल्यूम बोला गया निकालने के लिए, वॉल्यूम क्या होगा। ठीक है ना, तो देखिए वॉल्यूम जब हमें निकालना है, हमने पिछले लेक्चर में ये चीज़ जाना था कि वॉल्यूम जो होता है पिरामिड का होता है 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट होता है। ठीक है, इंटू में क्या होगा, हाइट होगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है, आपको क्या दे रखा गया, स्लैंट एज दे रखा गया। मैंने पिछले वाले लेक्चर में आपको बताया था अभी तीन तरीके के हाइट होती है, एक तो हाइट हो गया आपका नॉर्मल जो कि यहाँ सेंटर से होता है। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, स्लैंट हाइट होता है। स्लैंट हाइट कहाँ पे होता है, लैटरल सरफेस पे होता है, लैटरल सरफेस का जो हाइट होता है वही होता है स्लैंट हाइट होता है। ठीक है, और तीसरा क्या हो गया आपके को, एक स्लैंट एज हो गया। तो हमें जब वॉल्यूम निकालना, तो वॉल्यूम का हमें पता है फॉर्मूला, वॉल्यूम का क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 बेस का एरिया, बेस का एरिया इंटू। ठीक है, हमको हाइट चाहिए तो इसमें हमें हाइट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो एक बात का यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये भी क्या है हमारा, ये भी तो स्लैंट है, स्लैंट एज ही है, दैट इज 5a/2। ठीक है, अच्छा मैंने आपको एक चीज़ और बता रखा है यहाँ पर कि हेक्सागन जो होता है, हेक्सागन जो होता है वो 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल को मिलकर बनता है। तो अगर मैं सबको मिला देता हूँ, सारा चीज़ मैंने मिला दिया यहाँ पे ये इस तरीके से। ठीक है, तो ये तो हमारा क्या हो गया, स्लैंट एज हो गया, और ये वाला जो साइड हो गया ये कितना, कितने के बराबर होना चाहिए, 2a के बराबर होना चाहिए। ठीक है, और हाइट जो होगा, हाइट कहाँ से होगा, ये इस साइड से होगा, दिस इज हाइट जो कि हमें कैलकुलेट करना है, ये क्या है हमारा, हाइट है। ठीक है, जिस चीज़ को हमें कैलकुलेट करना है, तो हम एक रफ अगर इधर फिगर एक बना लेते हैं जिससे हमें क्लियर हो जाए क्या चीज़ कैलकुलेट करना और क्या दिया हुआ है। ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, यहाँ पर दिया हुआ हमें 5a/2 और नीचे में कितना है, ये 2a है, इसको 2a लिख लिया, और ये हाइट निकालना हमें, h की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, h की जो वैल्यू निकालनी है तो हम h की जगह पे ये चीज लिख सकते हैं, h इज इक्वल टू, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे यहाँ पर, h इज इक्वल टू 5a/2 का होल स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, करंट का स्क्वायर ले लिया हमने, और बटे में क्या हो जाएगा, बेस का ए, माइनस में क्या हो जाएगा हमारा, 2a स्क्वायर, 2a स्क्वायर, आधार हमारा कितना है, 2a है, तो 2a का स्क्वायर ले लिया हमने। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, तो देख पा रहे हो ऊपर में कितना आ जाएगा, 25a स्क्वायर हो जाएगा और नीचे 4 आ जाएगा, और यहाँ पर भी 4a स्क्वायर हो जाएगा। तो मैं क्या डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकता हूँ, 25a स्क्वायर माइनस 16a स्क्वायर बटे में 4,
लिख सकता हूँ ना। अच्छा 16 और 25 दोनों को अगर माइनस करा, तो माइनस करने के बाद यहाँ पर कितना बचना चाहिए, 9 बचना चाहिए। तो 9a² की जगह मैं डायरेक्ट लिख लूँ, स्क्वायर रूट अगर हटाते हैं तो 3a आ जाएगा, और नीचे में कितना आएगा, 2 आएगा। मतलब हाइट कितने के बराबर है, 3 अपॉन में 2 के बराबर है। ठीक है, तो अब हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें बेस एरिया तो निकल जाएगा हमारा, हाइट एक निकालना था, हमने हाइट निकाल दिया। अब हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट कर देते, तो वॉल्यूम बराबर होना चाहिए 1/3 बेस का एरिया। बेस यहाँ पर मैंने आपको बताया ना, 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल को मिलकर बनता है एक हेक्सागन, तो 6 × √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर कितना लिख सकते हैं, 2a × 2a, 2a ना, ईच साइड कितना है, 2a। तो हमने यहाँ पे क्या लिख लिया, 2a² लिख लिया, और इंटू में क्या आ जाएगा, हमारा हाइट आ जाएगा। हाइट कितना हमने निकाला है अभी, 3a/2 निकाला है ना, तो ये तो इसी से कैंसिल आउट हो गया, दोनों दो चले गए। अच्छा ये 3 और 2 कितने होंगे, 6 होंगे, इससे ये कहा कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे यहाँ पर कितना बच गया, यहाँ पर एक तो 3 है, तो हम लोग बोल सकते हैं 3√3a³। ठीक है ना, यही चीज बचेगा ना, एक ए यहाँ पर, एक ए यहाँ पर, एक ए यहाँ पर है, और 3√3a³। तो 3√3a³ cm³ इज दी आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, 3√3a³ cm³ आंसर हो जाएगा इसका, वॉल्यूम हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। यहाँ पर स्लैंटेज दे रखा था और हमने हाइट निकालना था, हाइट निकालना था, तो मैंने क्या बोला कि ये क्या होता है, 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल सिंबल के बनता था, 2a जब ये, तो ये भी क्या होगा, 2a होगा, और ये भी कितना होना चाहिए, 2a होना चाहिए। तो ये चीज़ हमें पता है, और ये 5a दे रखा, 5a/2 दे रखा, और हमने निकालना क्या था, हाइट निकालना था। सो हमने हाइट यहाँ से निकाल लिया पाइथागोरस थ्योरम लगा के। तो फ्रेंड्स ऐसे ही सवाल हमें परीक्षा में पूछे जाते हैं कि हमें हाइट निकालना पड़ेगा, स्लैंट एज दे देंगे या फिर स्लैंट हाइट दे देंगे। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स अगला जो सवाल है वो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, ए राइट पिरामिड स्टैंड्स ऑन ए स्क्वायर बेस ऑफ डायगोनल 10√2 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर क्या है, स्क्वायर बेस है जिसका डायगोनल का लेंथ दे रखा है हमको 10√2 सेंटीमीटर दे रखा है। इफ द हाइट ऑफ द पिरामिड इज 12 सेंटीमीटर, हाइट इज दी 12 सेंटीमीटर, देन फाइंड द एरिया ऑफ स्लैंट सरफेस। जितने भी स्लैंट सरफेस है उनका क्या निकालना है, हमें एरिया निकालना है। तो अच्छा सवाल है ये, चलिए देखते हैं कैसे इसको बना सकते हैं। सबसे पहले तो हम लोग एक स्क्वायर पिरामिड बना लेते हैं, जो कि समझने में आसानी होगी हमें। तो हमने क्या बना देना है, एक स्क्वायर पिरामिड बना देना। ठीक है, एक स्क्वायर बेस पिरामिड बन गया हमारा। अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि राइट पिरामिड स्टैंड्स ऑन ए स्क्वायर बेस हो गया हमारा ऑफ डायगोनल लेंथ। अच्छा डायगोनल का लेंथ यहाँ पर दे रखा गया, एक नया चीज क्या दे रखा गया, यहाँ पे डायगोनल का लेंथ दे रखा गया। डायगोनल का लेंथ कितना है, 10√2 सेंटीमीटर। तो डायगोनल यहाँ से लेके यहाँ तक होगा, ठीक है, और डायगोनल को कितना दे रखा गया, 10√2 सेंटीमीटर। ठीक है, 10√2 सेंटीमीटर लिख लिया हमने। अच्छा और क्या दे रखा है, इफ द हाइट, हाइट दे रखी गई है पिरामिड की 12 सेंटीमीटर। हाइट कितनी दे रखी है, 12 सेंटीमीटर। तो हाइट समहाउ यहाँ पर होगा, तो हाइट को भी हम लोग बना लेते हैं। ये हाइट हो गया हमारा, इसको हाइट को दे रखा गया है 12 सेंटीमीटर। हाइट कितनी है, हाइट है आपको 12 सेंटीमीटर है, तो 12 सेंटीमीटर हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, 12 सेंटीमीटर हो गया, हाइट हो गया। अब हमें जो निकालना है वो क्या निकालना है, लेटरल का सरफेस का एरिया निकालना है। ठीक है, कितने लेटरल सरफेस एरिया निकालना है, जितने भी स्लैंट सरफेसेस हैं, स्लैंट सरफेसेस कौन से हो जाएंगे, साइड वाले हो जाएंगे, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, लेटरल सरफेस भी बोलते हैं। तो लेटरल सरफेस का एरिया निकालना, तो लेटरल सरफेस एरिया का निकालना है, इसका मतलब क्या पूछ रहा है यहाँ पे हम लोगों से, कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए पूछ रहा है। ठीक है, निकालना है यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया निकाला। अच्छा अब कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, स्लैंट हाइट चाहिए होगा। ठीक है, तभी जाके निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर एक बात समझना आप, ये 10√3 दे रखा है आपको डायगोनल, और ये वाला दे रखा है। ठीक है, तो हम एक काम कर सकते हैं इसमें क्या, कि एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पर इसका साइड हम लोग निकाल सकते हैं, साइड निकल जाएगा ना स्क्वायर का, कितना साइड आ जाना चाहिए। ये देखिए 10√3/2 दे रखा है ये पूरा डायगोनल, तो इसका साइड हम लोग बोल सकते हैं कि ये 10 होगा, ये भी 10 होगा, और ये भी 10 होगा। √2a होता है ना, तो √2a होता तो उससे हमारा क्या आ जाएगा, सबका ईच लेंथ क्या आ गया, हमारे सारे साइड्स का लेंथ आ गया 10। ठीक है, अच्छा 10 आ गया। तो एक चीज आप ध्यान से देखना, ये 12 सेंटीमीटर है, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये तो पूरा 10 है, तो इसका हाफ ये होगा, ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर हो गया।
ठीक है। अब हमने निकालना क्या है, ये वाला लेंथ निकालना है, इसे हम लोग बना ले रहे हैं, ये स्लैंट हाइट निकालना है हमें, ये वाला स्लैंट हाइट निकालना है। तो स्लैंट हाइट कैसे, हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकाल सकते हैं, ये 5 है और ये हाइट कितना दे रखा है हमें, 12 दे रखा है, इसको हम लोग कितना बोल सकते हैं, 5 12 13 पाइथागोरस ट्रिपलेट से आ जाएगा ना, ये कितना आ गया हमारा 13 सेंटीमीटर, दिस इज 13 सेंटीमीटर, ठीक है। स्लैंट हाइट निकल गया। अब हमें, हमसे क्या पूछा रहा था, लेटरल सरफेस एरिया पूछा रहा था, स्लैंट सरफेसेस पूछ रहा था, ठीक है, एरिया ऑफ स्लैंट सरफेसेस। तो स्लैंट सरफेसेस का जब एरिया पूछ रहा था, तो हम लोग यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया का ही फॉर्मूला लगाएंगे। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, हाफ, ठीक है, बेस का पेरीमीटर, बेस का पेरीमीटर, पेरीमीटर इंटू क्या होता है, स्लैंट हाइट होता है, ठीक है, इंटू स्लैंट हाइट। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर हाफ, बेस कितना, बेस क्या है हमारा स्क्वायर में ना, तो स्क्वायर में तो कितना हो जाना चाहिए इसका पेरीमीटर, 4 × 10, 4 साइड है, 10 × 4 कर दिया हमने, और उसके बाद स्लैंट हाइट हमारा कितना आ रखा है अभी, 13 आया हुआ है, दैट इज 13। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ये चला जाएगा 2 से 20 हो गया, और 20 उससे मल्टीप्लाई हो गया, तो कितना हो जाना चाहिए हमारा, 260 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो 260 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होंगे इसके, हाई, ये कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा, स्लैंट सरफेसेस का एरिया हो जाएगा 260 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो का तीसरा सवाल आपके स्क्रीन पर है। तीसरा सवाल क्या है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए पिरामिड विच इज बेस्ड ऑन ए रेगुलर हेक्सागन, ठीक है, ये रेगुलर हेक्सागन का सवाल है, विच इज बेस्ड ऑन ए रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड 6√3 सेंटीमीटर, हाइट इज 12 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया पूछा जा रहा है, और एक हेक्सागोनल पिरामिड है, तो हेक्सागोनल पिरामिड को हम लोग बना लेते हैं, ये हो गया हेक्सागन, हो गया बेस में, और ये सबको मिला देते हैं हम लोग, इसको भी मिला दिया, और ये यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा, ये भी कुछ इसी तरीके से, ये भी, ठीक है, बन गया हमारा हेक्सागोनल पिरामिड। अब इसमें बोला क्या जा रहा है, हेक्सागोनल पिरामिड में बेस्ड ऑन ए रेगुलर हेक्सागन साइड इज 6√3 सेंटीमीटर, इसकी साइड कितनी है, 6√3 सेंटीमीटर, ठीक है, ईच साइड इज 6√3 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 12 सेंटीमीटर, हाइट कितना है इसका, 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर हाइट है, चलिए हाइट इसका बना लेते हैं हम लोग, ये हाइट यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाएगा हाइट, ये क्या हो गया हाइट, और हाइट बोला कितना जा रहा है, ये जो पार्ट है ये कितना है, 12 सेंटीमीटर है, ठीक है, दिस इज 12 बना लिया हमने, ठीक है। अच्छा, अब हमें यहाँ कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है, और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया प्लस बेस का एरिया, ठीक है, ये तो सिंपल ये निकल जाएगा। कर्व सरफेस एरिया के लिए हमें क्या चाहिए होगा, यहाँ पर स्लैंट हाइट चाहिए होगा, कर्व सरफेस एरिया के लिए हमें यहाँ पर क्या चाहिए होगा, स्लैंट हाइट चाहिए होगा, और दे क्या रखा गया हमें, 12 सेंटीमीटर सिर्फ हाइट दे रखी गई है। तो देख लो, देखिए, देखते इसको ध्यान से कैसे निकाला जा सकता है, देखिएगा, इन सबको मैंने ज्वाइन कर दिया, तो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया, ये कितना हो जाएगा, 6√3 सेंटीमीटर, और ये भी कितना हो जाएगा, 6√3 सेंटीमीटर, ठीक है, हो गया ना, 6√3 सेंटीमीटर, ये भी 6√3 सेंटीमीटर। अच्छा, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है स्लैंट हाइट निकालना, स्लैंट हाइट कहाँ से होगा, यहाँ बीच से होगा, इस साइड से होगा ना स्लैंट हाइट, तो इसको भी अगर इधर से मिला दिया जाए, तो आप ध्यान इसको अब समझ पाएंगे, ये भी तो 6√3 ही होगा सेंटीमीटर, ये पूरा क्या है, इक्विलैटरल ट्राइंगल है, और हमें यहाँ से निकालना है स्लैंट हाइट निकालना, इस तरीके से, ठीक है, स्लैंट हाइट निकालना। तो अगर मैं इसका अलग से इधर फिगर बना दूँ, तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है, हाइट कितना दे रखा है यहाँ पे हमें, 12 दे रखा है, और हमें ज़रूरत किसकी है, इसकी ज़रूरत है स्लैंट हाइट की, ये स्लैंट हाइट की ज़रूरत है। अच्छा, उसको निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए होगा, इस इक्विलैटरल ट्रायंगल का भी हमें हाइट निकालना पड़ेगा, ठीक है, जब हमें ये चीज़ पता होगा और ये चीज़ पता है, तो हम ये स्लैंट हाइट निकाल सकते हैं, तो हमें ये चीज़ कैलकुलेट करना पड़ेगा, तब जाके पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम स्लैंट हाइट निकाल पाएंगे। तो देखिए, इसको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, ये आपको क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल का हाइट है, और इक्विलैटरल ट्रायंगल का हाइट कितने के बराबर होता है, √3/2 × साइड, जो भी साइड का लेंथ है, साइड का लेंथ कितना है यहाँ पे, 6√3 है,
इसको करेंगे हम लोग 6√3 से मल्टीप्लाई, तो ये 2 से चला गया, कितना आ गया 3, तो 3 3 कितने हो जाएंगे यहाँ पे 9 हो जाएंगे। तो देख लीजिएगा ध्यान से, ये 9 है और ये 12 है, तो ये कितना होना चाहिए 15 होगा क्या? दिस इज 15 सेंटीमीटर। अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ये 9 है, ये 12 है, तो ये कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, दिस इज 15। या फिर पाइथागोरस ट्रिपलेट से भी देख सकते हैं आप, ये 3 4 और ये 5, 5 दिया 15 हो जाएगा, 3 का था सब में, 3 का सब में प्रोडक्ट हो रखा था। तो हमने ये निकाल लिया, स्लैंट हाइट निकाल लिया। अब हम आ जाते हैं इसको निकालने के लिए टोटल सरफेस एरिया पे। टोटल सरफेस एरिया पे हम लोग कैसे निकालेंगे, सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे। तो कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, हाफ बेस का पेरीमीटर। बेस का पेरीमीटर कितना हो सकता है, 6 साइड है ना, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 6 × 6√3, ठीक है, लिख लिया हमने। तो बेस का पेरीमीटर निकल गया, और इंटू में क्या आ जाएगा स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट कितना है 15 है, 15 लिख लिया। अच्छा अब बेस का एरिया भी लिखना है, बेस का एरिया हो जाएगा 6 × √3/4 × साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर कितना लिखेंगे 6√3 × 6√3, ठीक है, लिख लिया हमने। अब चलिए काट लेते सबको, ये हो जाएगा 2 3 6, ठीक है, ये कितना लिख सकते हो, 15 6 कितना हो जाएगा 90, और इतना ऊपर में लिखा जा सकता है 270√3 हो जाएगा ना, 270√3, और इसको कितना लिख सकते हैं हम लोग, ये आएगा 3 और ये भी चला जाएगा 3 से, ठीक है। तो 9 9 6 54 54 और × 3 × √3 हो जाएगा ना, तो यहाँ पे डायरेक्ट मैंने लिख लिया 270√3, और ये आ जाएगा आपको 16√3। इन दोनों को जोड़ा तो हमारा आ गया जवाब 432√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फ्रेंड्स इसका सॉल्यूशन इस तरीके से ही होगा। यहाँ पर हमें स्लैंट हाइट निकालनी थी, और हमें सिर्फ क्या दे रखा था, हाइट दे रखा गया था। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल होता तो ये वाला हमें लेंथ निकालना था, यहाँ से लेके यहाँ तक का हमें लेंथ निकालना था, या बोल सकते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ निकालना था। तो वो लेंथ क्या होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल का हाइट होता है। तो वही हाइट से हमने कैलकुलेट कर लिया, √3/2 × साइड, वो फॉर्मूला लगा के हमने यहाँ पे 9 निकाल लिया, और ये 12 दे रखा था, और ये 15 हमारा स्लैंट हाइट आ गया। फिर उसके बाद हमने फॉर्मूले पे डाला और सारा चीज कैलकुलेट कर लिया। तो दोस्तों आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा, ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो फ्रेंड्स अगला जो सवाल है वो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, ये फोर्थ सवाल है। फोर्थ सवाल क्या है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए पिरामिड विच इज बेस्ड ऑन एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 6√3 इफ इट्स स्लैंट हाइट इज 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इक्विलैटरल बेस पे है, तो इक्विलैटरल बेस पे है तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, इक्विलैटरल बेस पे हमारा पिरामिड है, ठीक है, तो इसको मैं ऐसे बना सकता हूँ, ये कुछ इस तरीके से, ये आ गया डॉटेड दिखा दिया पीछे वाले को, और ये सारा इसको ज्वाइन कर लिया, तो क्या बन गया हमारा ट्रायंगुलर पिरामिड बन गया, जिसका जो इक्विलैटरल ट्रायंगल में बेस है। तो बेस की लेंथ कितनी हो जाएगी 6√3 सेंटीमीटर, ठीक है, 6√3 सेंटीमीटर कर लिया। स्लैंट हाइट कितना है इसका, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर इसका स्लैंट हाइट है। तो स्लैंट हाइट हम ऐसे बोल सकते हैं, स्लैंट हाइट कौन सा हो जाएगा, इस ये वाला पार्ट हो जाएगा, दिस इज स्लैंट हाइट, यहाँ से लेके यहाँ तक सरफेसेस पे था, ये कितना है, ये स्लैंट हाइट है आपको 5 सेंटीमीटर, ठीक है, स्लैंट हाइट है 5 सेंटीमीटर। और हमने निकालना क्या है, इसका वॉल्यूम निकालना है, तो इसका वॉल्यूम हम लोग कैलकुलेट करना है। तो चलिए वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं, इसका वॉल्यूम हमें कैलकुलेट करना है। तो समझना इस बात को, वॉल्यूम के लिए हमें क्या चाहिए होगा, हाइट चाहिए होगा, वॉल्यूम के लिए हमें क्या चाहिए होगा, हाइट चाहिए होगा। तो वॉल्यूम के लिए हाइट चाहिए होगा, लेकिन हमें दे क्या रखा गया, स्लैंट हाइट दे रखा गया। अच्छा सारे साइड के हमें लेंथ पता है, 6√3 सेंटीमीटर दे रखा गया। अब देखो हमें निकालना क्या है, ये वाला पार्ट निकालना, समझिएगा ये वाला पार्ट निकालना है, और ये वाला पार्ट हमें दे रखा गया, ठीक है ना, ये वाला पार्ट हमें दे रखा गया, ब्लैक मार्कर वाला दे रखा गया, रेड मार्कर वाला हमें निकालना है। तो ये कुछ इस तरीके से निकालना पड़ेगा। तो हमें अगर यहाँ से लेके इस तरफ की अगर कोई बता दे, पता चल जाए हमें कहीं से, तो हम तुरंत निकाल लेंगे, क्योंकि ये तो हमें पता है, और ये वाला अगर कोई बता देता है, देखिएगा समझिएगा इस चीज को, ये हमें दे रखा गया है यहाँ पे स्लैंट हाइट दे रखा गया, अगर हमें कोई ये वाला बता देता है तो हम तुरंत हाइट को कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो देखो इस चीज को हम लोग कैसे बनाएंगे, यहां से लेके यहाँ तक क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर है हमारा हाइट, ठीक है ना, तो हाइट जब यहाँ पर है
एक चीज यहाँ पर समझिएगा, ये जो होगा, ये जो लेंथ होगा यहां से लेकर जो यहां तक का जो लेंथ होगा वो क्या होगा हमारा, इन रेडियस होगा इक्विलैटरल ट्रायंगल का, इन रेडियस होगा नहीं ये वाला पार्ट। तो हम लोग एक चीज बोल सकते हैं यहाँ पे कि इन रेडियस जो होगा, तो एक फिगर यहाँ पे डायरेक्ट अगर हम बनाया जाए तो किसी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल का इन रेडियस का लेंथ कितना होता है, इन रेडियस का जो लेंथ होता है ये हो गया 5 सेंटीमीटर, ठीक है, ये हो गया हाइट जो कि हमें कैलकुलेट करना है, और ये वाला पार्ट यहाँ वाला पार्ट हो गया, ठीक है, ये वाला पार्ट हो जाएगा, ये वाला पार्ट क्या हो गया, इन रेडियस हो गया। इन रेडियस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, साइड बटे में 2√3, क्या होता है फॉर्मूला, साइड बटे में 2√3। साइड कितना दे रखा है इक्विलैटरल ट्रायंगल का, 6√3 दे रखा है, 6√3 हमने यहाँ पे लिख लिया, और बटे में क्या आ जाएगा 2√3, ये √3 √3 से कैंसिल हो गया, ये बचा 3 से कैंसिल हो गया, कितना आ गया 3 आ गया, तो ये कितना हमारा 3 है, ये वाला पार्ट कितना 3 है, तो ये 3 है तो ये कितना होगा 4 होना चाहिए, हाइट कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और ये पाइथागोरस ट्रिपलेट को फॉलो कर रहा था। तो इस तरीके से, या फिर पाइथागोरस थ्योरम लगा के 5 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर करोगे तो 4 आ जाएगा, फिर स्क्वायर रूट करोगे तो, ठीक है, तो हाइट कितनी आ गई यहाँ पर 4 आ गई, जब 4 आ गई हाइट आ गई है, और आपको निकालना क्या है, वॉल्यूम निकालना, तो वॉल्यूम वाला फॉर्मूला सीधी सीधी लगा देते हैं, 1/3 इंटू क्या होता है, बेस का एरिया होता है, बेस का एरिया कितना लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर, √3/4, इक्विलैटरल ट्रायंगल है ना, तो √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, 6√3 इंटू 6√3, ठीक है, और हाइट कितना अभी अभी हम लोगों ने निकाला है, 4 निकाला, इसको 4 यहाँ पे लिख लिया, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, और ये 3 से 2√3 चले जाएंगे, चला गया, तो यहाँ पर कितना बच गया, 36√3 सेंटीमीटर क्यूब। तो 36√3 सेंटीमीटर क्यूब क्या हो गया, इसका आंसर हो गया इस सवाल का। यहाँ पर भी हमें स्लैंट हाइट दे रखा गया था और हाइट निकालना था, और मैंने आपको बताया हाइट कैसे निकालेंगे हमने, यहाँ पर ये क्या था आपको, इन रेडियस हो जाएगा, ये जो लेंथ होता है वो क्या होगा, इन रेडियस होगा, जहाँ पर भी हाइट है, तो इन रेडियस वाला फॉर्मूला लगा के हमने यहाँ पर इन रेडियस का वैल्यू निकाल दिया, और फिर उसके बाद हमने हाइट कैलकुलेट कर लिया। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हम अपने इस वीडियो के अंतिम सवाल की तरफ। तो फ्रेंड्स, ये जो सवाल अभी आपके स्क्रीन पर जो आ रहा है, ये इस वीडियो का अंतिम सवाल है, और ये सवाल जो है ये SSC CGL 2017 के मेंस में पूछा गया है, ठीक है, तो ये सवाल देखते हैं कैसा क्या सवाल है ये। ए रेगुलर स्क्वायर पिरामिड हैज साइड ऑफ इट्स बेस 20 सेंटीमीटर एंड हाइट 45 सेंटीमीटर इज मेल्टेड, ठीक है, एंड रिकास्ट इनटू ए रेगुलर ट्रायंगुलर पिरामिड्स ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इक्विलैटरल बेस ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर हाइट 10√3 सेंटीमीटर, ठीक है, व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ रेगुलर ट्रायंगुलर पिरामिड, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे सवाल क्या बोल रहा है, एक हमारे पास स्क्वायर बेस पिरामिड है जिसका बेस का भी साइड दे रखा गया, लेंथ दे रखा गया और हाइट भी दे रखा गया, ठीक है, उसको क्या करते हैं, पिघला देते हैं, पिघला के हम लोग इसको क्या बना देते हैं, रिकास्ट करते हैं, फिर से नया चीज बनाते हैं, ट्रायंगुलर पिरामिड बनाते हैं जिसकी बेस जो है वो क्या, इक्विलैटरल बेस है, ठीक है, और साइड 10 सेंटीमीटर, हाइट कितना, 10√3 सेंटीमीटर, उस पिरामिड का जो नया वाला पिरामिड बना रहे हैं मेल्ट करने के बाद। तो पूछा जा रहा है कि वो ट्रायंगुलर जो पिरामिड है वो कितने नंबर ऑफ बनेंगे, कितने सारे वो बनेंगे, तो चलिए देख लेते हैं ये कैसे बनेगा ये सवाल, ठीक है, हमने स्क्वायर बेस पिरामिड बना दिया, अब इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, मेल्ट कर दे रहे हैं, मेल्ट करने के बाद क्या बना रहे हैं हम लोग, एक ट्रायंगुलर बेस पिरामिड बना रहे हैं, ये कुछ इस तरीके से ट्रायंगुलर बेस पिरामिड बना दे रहे हैं, ठीक है ना, ट्रायंगुलर बेस पिरामिड बना रहे हैं, ठीक है, अच्छा यहाँ पर सबका लेंथ भी दे रखा गया 20 सेंटीमीटर है इसका, ठीक है, और हाइट कितनी दे रखी गई है इसकी, हाइट दे रखी गई 45, ये कितना है 45 सेंटीमीटर है, ठीक है, और ट्रायंगुलर बेस पिरामिड जो है उसका साइड है आपको 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना, और इसकी हाइट दे रखी गई, हाइट कितनी हो गई इसकी 10√3 सेंटीमीटर, ठीक है, तो ये पता करना है कि ये कितने सारे बनेंगे, ये वाले कितने सारे बनेंगे, तो हम लोग इसका ऐसे लगा सकते हैं, दोनों का वॉल्यूम क्या करना पड़ेगा, हम इक्वेट करना पड़ेगा, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाना चाहिए स्क्वायर बेस पिरामिड का, हम लोग लिख सकते हैं 1/3 बेस का एरिया, बेस का एरिया में क्या लिखेंगे, 20 × 20 × हाइट, ठीक है, 45 लिख लिया, अच्छा यहाँ पर क्या बोला है, ट्रायंगुलर कितने सारे बनेंगे, तो ट्रायंगुलर हम मान लेते हैं कितने बनेंगे, एन नंबर ऑफ बनेंगे, एन इंटू क्या लिखेंगे, इनका आप लिख लेते हैं वॉल्यूम 1/3, बेस एरिया कितना लिख सकते हैं इसका, √3/4, इक्विलैटरल ट्रायंगल है ना, इंटू 10 × 10 साइड का स्क्वायर, और हाइट लिख लेते हैं, हाइट हो गया 10√3, ठीक है, तो 1/3 1/3 तो यही कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा अब कैसे इसको काट सकते हैं, देखिए एक से एक 20 से हम लोग काट सकते, नहीं सब 5 से चला गया, ठीक है, 2 10 चले गए, अच्छा ये कितने हो जाएंगे, 3 निकलेंगे ना यहाँ से,
ये दोनों काटा और तीन, ये इतना लिख सकते हैं 15, ठीक है। और ये 5 से 3 से चला जाएगा, ठीक है, और 1 0 यहाँ से कट जाएगा, ठीक है, 1 0 यहाँ से चला गया। तो कितने बच गए हमारे पास, 4 इधर बचा, 4 3 12, 12 × 2 = 24, तो एन आ जाएगा हमारा 24। तो 24 नंबर ऑफ क्या बनेंगे, छोटे वाले ट्रायंगुलर पिरामिड बनेंगे। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, ये SSC CGL 2017 के मेंस में ये सवाल पूछा गया था, ये पिरामिड से कि कितने सारे पिरामिड बनेंगे। तो यहाँ पर एक स्क्वायर पिरामिड था जिसका साइड कितना था, 20 सेंटीमीटर था बेस में, और 45 क्या था इसकी हाइट थी, और उसी को पिघला के हमें क्या बनाना था, मेल्ट करके बनाना था हमें ट्रायंगुलर बेस पिरामिड बनाना था, जिसका साइड था 10 सेंटीमीटर और हाइट थी 10√3 सेंटीमीटर। तो कितने सारे हमारे पिरामिड बन रहे हैं, 24 नंबर ऑफ पिरामिड बन रहे हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और पसंद भी आया होगा, और आज जितने भी मैंने आज आपको क्वेश्चन कराए हैं सारे आपको क्लियर हो गए होंगे। तो फ्रेंड्स अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।